सच साहस सरोकार। दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत जारी, किसानों ने लाखों वाहन चालकों को किया परेशान, जगह जगह लगा जाम। भाजपा पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को दुष्कर्म मामले में सर्वोच्च न्यायालय से मिली राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक। देश भर में अब्बास अंसारी की तलाश जारी, कई जगह की जा रही छापेमारी। नोएडा के बाद कानपुर में भी गालीबाज महिला का वीडियो वायरल, पड़ोसी से हुआ था विवाद। दिल्ली में सेल्फी लेने के लिए एम्स पहुंचा राजू श्रीवास्तव का फैन, अस्पताल में बढ़ाई गई सिक्योरिटी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान से साफ हो गया है कि भाजपा में व्यापक स्तर पर असंतोष है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसी खींचतान से बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता ने और क्या कुछ कहा इस मामले पर, आइए आपको सुनाते। व्यापक स्तर पर असंतोष है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे, और जैसे ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, भाजपा के कार्यकर्ताओं में घोर निराशा हुई थी। इससे पहले भी आपको याद होगा कि 200 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ के खिलाफ अपना असंतोष पत्र लिखकर जाहिर किया था। उनके बदलाव के लिए उन्होंने पत्र लिखा था, लेकिन उसे दबा दिया भाजपा ने। तो भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। इसी वजह से केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान है वो दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो प्रदेश का हो रहा है। प्रदेश में विकास नहीं हो पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो प्रदेश का नुकसान हो रहा, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन प्रदेश का नुकसान हो रहा है, इसलिए हमारी अपनी चिंताएं हैं। प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ब्रजेश सौरभ ने सपा का साथ छोड़ दिया है, जिसका खुलासा विधायक ने पत्र जारी कर किया। साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा स्वभाव समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार से नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा पार्टी से जुड़ना उनका एक गलत फैसला था। इस खबर में हमारे साथ बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। प्रेम, जिस तरह से गलत फैसला बताया है सपा से जुड़ना, क्या कहेंगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आए सपा नेता? जी बिल्कुल, बता दें कि आज पूर्व विधायक व वरिष्ठ नेता ब्रजेश सौरभ ने प्रतापगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया कर्मियों के सम्मुख एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मैंने 8 महीने पहले दामन थामा था, वो फैसला मेरा पूरी तरीके से गलत था, और समाजवादी पार्टी का जो दामन है, जो उनकी विचारधाराएं हैं, वो हमसे हटकर हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधारा है वो हमारे विचारधारा से कोसों अलग है, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से पार्टी को छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल बता दें कि आज उन्होंने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। उन्होंने कहा कि मेरा स्वभाव समाजवादी पार्टी के राजनीतिक व्यवहार से नहीं मिलता है। 8 माह पूर्व उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता जरूर ली थी, लेकिन उनका यह निर्णय पूरी तरीके से गलत था। जी जी प्रेम, जिस तरह से ये बात तो कह ही दी है पूर्व सपा नेता ने कि उनके विचार मेल नहीं खाते थे सपा के विचारों से, लेकिन क्या कोई नाराजगी थी, क्या कोई ऐसी बात भी रही जिसको वो उजागर करना नहीं चाह रहे, लेकिन उनके बीच में नाराजगी देखने को मिली हो, या फिर उनका सम्मान न किया गया हो सपा में?
बिल्कुल, अगर बात करें कि उनके सम्मान की तो पूर्व में उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया था, लेकिन अब आंतरिक रूप क्या है वो उन्होंने कहीं पर भी जाहिर नहीं किया, ना ही उन्होंने खुलासा किया। बातचीत के दौरान उनसे पूछा भी गया कि जिस तरीके से आप 8 महीने पहले ही सदस्यता लिए और अब आप छोड़ना चाहते हैं, तो अभी आखिर क्या ऐसी परिस्थितियां पड़ी जो आपको छोड़ना पड़ा। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो विचारधाराएं हैं, जिस विद्यालय में मैं पढ़ा हूं, उस विद्यालय के संस्कार यदि मेरे ऊपर फॉलो होते हैं तो उस विद्यालय में पढ़ना हमारे लिए लाजमी है, और उस विद्यालय को छोड़े तो उस विद्यालय की विचारधारा हमसे नहीं मिल रही तो वो छोड़ना हमारी मजबूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी छोड़कर जो मैंने गलती की है अब वो मैं सुधार रहा हूं। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से ब्राह्मण नेताओं और वोटरों को पाले में लाने की कयाद में जुटी है सपा पार्टी, वैसे प्रतापगढ़ में सपा पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। जिस तरीके से ये पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं ब्रजेश सौरभ, जो इनके पार्टी छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ में सपा की जो दमखम थी उस पर एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल मैडम प्रेम, जिस तरह से पूर्व विधायक ने बात कही है कि बीजेपी छोड़ना उनका गलत फैसला था, तो क्या लगता है वो फिर से बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी का दमन थाम सकते हैं सपा से अलग होके? बिल्कुल, अभी तक उन्होंने इस बात की कहीं पर भी जिक्र नहीं की, ना ही वो इस बात की कहीं पर भी चर्चा की। हालांकि जानने का प्रयास जरूर किया गया कि जिस तरीके से आप का ये कहना है कि प्रतापगढ़ में आपने जिस तरीके से भाजपा पार्टी को छोड़ा तो ये फैसला आपका गलत था, इस बात को आप स्वीकार करते हैं, तो क्या आखिर भाजपा पार्टी की विचारधाराएं जो है वो आपसे मेलजोल करती हैं, या भाजपा पार्टी में आप दोबारा जाना चाहेंगे? भाजपा पार्टी के जो भी रवैये, जो भी उनके रूल्स हैं वो आप पर सेटिस्फाई होते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये तो बात की बात है, फिलहाल जिस तरीके से सपा पार्टी में मैंने रहा और रह करके उसकी रीति रिवाजों, जो भी उनके यहाँ राजनीतिक विचारधाराएं थी उससे मेरा मेलजोल नहीं था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से भाजपा पार्टी को दामन छोड़ना मेरे लिए गलत था, हालांकि उन्होंने ये नहीं जाहिर किया, ये स्पष्ट कहीं पर भी नहीं किया कि वो भाजपा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या वो भाजपा पार्टी में जाते हैं या अन्य किसी दल का सहारा लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं वो किसी न किसी पार्टी या किसी न किसी सिंबल का सहारा जरूर लेंगे, लेकिन इस बात का उन्होंने अभी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया, ना ही किसी तरीके से कोई खुलासा किया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़े थे प्रतापगढ़ से। अयोध्या के उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी 25 अगस्त को अयोध्या शहर के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करेगी। मिल्केपुर विधानसभा की सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि सूखे की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं ताकि सूखे की स्थिति और किसानों की समस्या को लेकर चर्चा हो सके। अवधेश प्रसाद ने बताया कि 25 अगस्त को गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल को संबोधित जिला प्रशासन का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग और मुख्यमंत्री से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी। किसान बहुत संकट में है, बरसात नहीं हुई है और जो हुई ना के बराबर हुई है। किसानों की फसल मुश्किल से 30% भी धान की रोपाई नहीं हो पाई। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करें, जिससे इस संकट घड़ी में जब समूचा किसान, जो हमारे देश की आत्मा है, परेशान है सूखे से, इस परेशानी को दूर करने के लिए राहत पहुंचाने के इरादे से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, जिसमें इस समस्या का चर्चा भी हो और चर्चा के लिए, निदान के लिए बड़े अधिकारी वहां रहेंगे, सरकार के सभी मंत्री लोग रहेंगे, निश्चित तौर से उससे राहत मिलेगी। राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, जिस तरह से सूखाग्रस्त घोषित करने की बात कही जा रही है, प्रदर्शन किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें अगर आपको तो ये मिल्कीपुर विधानसभा से ये सपा विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के, जब सरकार थी तो ये कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं अवधेश प्रसाद, तो इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये अवगत कराया है कि देखिए समाजवादी पार्टी का ये आह्वान है कि जो कि प्रदेश के मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने एक मांग की है कि जो उत्तर प्रदेश को सूखा ग्रस्त घोषित किया जाए, क्योंकि अभी तक जो किसान थे वो 30% केवल
धान की रोपाई कर रखा है, तो इसको ले करके जो सभी जिले हैं उसमें बारिश का कम होना लाजमी है, तो इसको ले करके एक निर्णय किया गया है कि 25 अगस्त को ये गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन करेंगे। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता राघविंद्र मिश्रा जुड़े थे अयोध्या से। खबर गाजीपुर से है, जहां बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने एक बयान दिया है जिसमें सरकार के खिलाफ अंसारी ने हमला बोला है। वहीं सड़क निर्माण के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर विरोधियों को सता रहे हैं, और साथ ही कुर्की पर भी तंज कसते हुए बोले कि मेरी असली पूंजी गाजीपुर की गरीब जनता है जिसे सरकार कभी भी कुर्क नहीं कर सकती है। वहीं अंसारी ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि जितने दिन तुम्हारी सरकार है चाहे जितना कूद लो। एक उसूल है, एक सिद्धांत है, 40 साल से जुल्म जाति अत्याचार और सामंतवाद के खिलाफ लड़ता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, जहां भी गरीब पे अत्याचार होगा आधी रात को उसका आंसू पोछने का काम किया था और आज भी करूंगा। आइए, भौतिक सुख साधन के खेत बगीचा और ये बिल्डिंग मकान, ये किसी के जीवन का हिस्सा हो सकता है? अफजाल अंसारी की पूंजी ये नहीं है। तुम खुश हो लो कि कुड़की करके हमने उसको कंगाल कर दिया, मेरी असली पूंजी है गाजीपुर की गरीब जनता जिसको तुम्हारे बाप की सरकार भी नहीं कुड़ कर सकती। सांसद अफजाल अंसारी ने सीधे तौर पर भाजपा को चुनौती दी है और सख्त लहजे में अपनी बात रखते हुए नजर आए। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जितने दिन तुम्हारी सरकार है जितना चाहे कूद लो। उन्होंने जनता को, अब गाजीपुर की जनता को अपनी संपत्ति बताई है और कहा है कि सरकार इसे कुर्क नहीं कर सकती। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता पवन मिश्रा जुड़ चुके हैं। पवन, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आए बीएसपी सांसद अफजाल? जी, हम आपको बता दें कि करंडा गांव में अफजाल अंसारी 250 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन करने आए थे, जिसमें उनके साथ सदर विधायक जय किशन साहू भी मौजूद थे। उन्होंने जब मीडिया वाले भी थे, उन्होंने से बातचीत के दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने बताया कि गाजीपुर में उन्होंने अपने कार्यकाल में 250 किलोमीटर सड़कों का प्रस्ताव पारित किया था, जिसके क्रम में आज 3 सड़कों का लोकार्पण पीएमजीएसवाई योजना के तहत जनता का लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनके लोकसभा में 65 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया जा चुका है और मार्च 2023 तक जितनी भी सड़कों का धन और बजट आवंटित हो चुका और टेंडर कराया जाता है उसके कार्य को संपादित करा कर जनता को लोकार्पित करना उनकी प्राथमिकता होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता पवन मिश्रा जुड़े थे। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन के रामकिशन मिशन हॉस्पिटल में सुरक्षा गार्डों की गुंडई करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गरीबों को चिकित्सा मुहैया कराने का दावा करने वाले हॉस्पिटल को गार्ड तीमारदारों और मरीजों को धक्का देकर जलील कर बाहर निकाल रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल जेडीयू नेता के बेटे का परिचौक और अपहरण कर लिया गया। वहीं बदमाशों से हुई मुठभेड़ में 2 गिरफ्तार हो गए, साथ ही 3 मौके से फरार हो गए। वहीं 2 अपहरणकर्ताओं के पास से तमंचा, आर्टिका कार पिस्टल बरामद की गई है। बता दें बीटा 2 थाना क्षेत्र का ये मामला है। औरैया में कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में औरैया कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग ने छापेमारी की। शहर कोतवाली क्षेत्र के मछैया बस्ती इलाके में छापेमारी के दौरान शराब बनाने वाले 600 किलो लहन को नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद घरों में शराब का कारोबार करने वाले मौके से चकमा देकर फरार हो गए। जिला आबकारी अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि अपर आयुक्त के निर्देश पर आबकारी विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आज पछैया बस्ती में दबिश दी गई। इस दौरान 600 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया, लेकिन मौके से शराब बरामद नहीं हुई। यह कार्रवाई आबकारी और पुलिस
संयुक्त आबकारी आयुक्त और पुलिस की संयुक्त टीम ने की गई है, आगे भी प्रवर्तन कार्यवाही जारी है। देवरिया के परसिया मिस्कारी के पंचायत भवन में एलपीजी पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में बड़ी संख्या में ग्राहकों के साथ साथ ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं इस पंचायत में गैस योजना से जुड़ी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर एजेंसी के प्रबंधक समेत कई लोग मौजूद रहे। उन्नाव में जीआरपी सिपाही रोहित कुमार की अनोखी विदाई का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि सिपाही रोहित कुमार ने कोरारी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते कुछ बच्चों को पढ़ाने में मदद की थी, जिसके बाद अब 4 साल बाद जीआरपी सिपाही का तबादला झांसी हो रहा है, जिसके चलते गरीब बच्चों ने जीआरपी को विदाई दी है। लखनऊ में बीते दिन एक ही दिन में 2 महिलाओं की हत्या का मामला सामने आया है। इस मामले पर डीएसपी साउथ का कहना है कि दोनों ही मामलों को संज्ञान में लिया गया है, साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के आधार पर की जाएगी। इसमें अभी तक जो हम लोग को प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिल रहा है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट की भी बात है, तो उसके बिंद पर हम लोग जो है विवेचना कर रहे हैं और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और भी इसके चूंकि सामान भी कुछ बता रहे हैं कि जेवर वगैरह भी गए हैं, तो उस बिंदु पर भी हम लोग विवेचना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें महिला की कोई संतान नहीं थी, इसके पति की भी डेथ हो चुकी थी, तो पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम थी। तो अभी तक ये आ रहा है कि प्रॉपर्टी की चूँकि कोई वारिस नहीं है, तो इसलिए प्रॉपर्टी का मैटर है, और उस बिंदु पर जो है काफी कुछ हमारे पास साक्ष्य आ गए हैं और हम जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। कानपुर में पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के चलते गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके बाद गंगा का विकराल रूप देखा जा सकता है, जिसे देखते हुए कानपुर, उन्नाव और फतेहपुर को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि कानपुर के कटरी गाँव के अलावा शुक्लागंज, फतेहपुर के गाँव पर भी असर देखने की आशंका है। सिंचाई विभाग के अफसरों ने प्रशासनिक अफसरों को इस बात की जानकारी दे दी है, जिसके मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देखा जाए तो जल स्तर की बात करी जाए तो कानपुर में जो पूरी तरीके से आसपास जो जिले हैं उसको अलर्ट कर दिया गया है, उन्नाव और उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं फतेहपुर पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया, और जो उन्नाव के आसपास जो शुक्लागंज कटरी क्षेत्र जो है वहाँ पूरी तरीके से जल भरा हो चुका है, जल स्तर इतना बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गंगा जी का जो गंगा बैराज बना हुआ है ये 112.9 मीटर की इसकी स्ट्रीम हाइट बनी हुई है, और देखा जाए कहीं ना कहीं इस टाइम वर्तमान समय में गंगा जी का जो जल स्तर है वो 111.8 जो है वो काउंट किया गया है। पानी देखा जाए तो पूरी तरीके से पूरा जल भरा हुआ जल स्तर जो पूरा अपने आप में विकराल रूप दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गंगा बैराज के सारे 30 के 30 गेट जो हैं पूरी तरीके से खोल दिए गए हैं। उसके बावजूद जो सवाल ये उठता है कि जो फरकाबाद कन्नौज से जो जल पानी आने वाला है उस वो भी पानी इसी बैराज से निकलना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो मौसम विभाग या सिंचाई विभाग के को जो अलर्ट पहले जारी कर देगा कि जो हरिद्वार से जो लगभग 3.5 लाख क्यूसेक पानी लीटर छोड़ा जाएगा वो भी गंगा जी इसी बैराज से होकर निकलेगा। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आसपास क्षेत्र जो है पूरी तरीके अलर्ट है। अपना कैमरा पर्सन हिमांशु रस्तों कहना चाहूँगा कि दिखाए कि किस तरीके से बैराज के सारे गेट जो हैं वो पूरे सारे गेट खुले हुए हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखा है तो यहाँ पे जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था वो सेल्फी पॉइंट जो है पूरा स्ट्रीम बनाया गया था गंगा बैराज का वो पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है, और केवल नाम के लिए रह गया कि जो आसपास के लोग घूमने फिरने आते थे वो बिल्कुल प्रशासन जो है उन पर बिल्कुल पूरी तरीके से रोक लगा। और देखिए कहीं ना कहीं जो है गंगा का जल जो है लगातार जो है बालू पूरी तरीके से काटते चला जा रहा है, और बालू जो कट रही है उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो 3.5 लाख क्यूसेक पानी जो हरिद्वार से जो छोड़ा जाएगा वो जो पानी जो है वो किस स्तर तक कानपुर को नुकसान पहुँचाएगा, या कानपुर के आसपास जो कटरी इलाके जो क्षेत्र बने हुए हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं उस पर पानी जो है लगातार बढ़ता रहेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ उपेंद्र अस्थाना, कानपुर। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर अंसल प्लाजा मॉल में चल रहे हुक्का बार में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान युवकों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि हुक्का बार की आड़ में शराब परोसी जा रही थी। वहीं घटना की जानकारी आबकारी विभाग को दे दी गई है। देवरिया के सलीमपुर ब्लॉक के बोरडीहा के छात्र की अध्यापक ने पढ़ाई से नाराज होकर
जमकर पिटाई कर दी। वहीं छात्र की पिटाई की खबर मिलते ही परिजनों में रोष पैदा हो गया। साथ ही परिजन ने खुखुंदू थाने में अध्यापक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अध्यापक को हिरासत में ले लिया। पूरा पढ़ लिए थे सर, उसमें से बोला तो इसलिए सर 2 घंटा गाँव में खड़ा कराए थे। किस लिए खड़ा कराए थे? हिंदी भूल गए थे। हिंदी भूल गए थे फिर उसके बाद क्या किए? सर ना तो नीचे कर रहे थे, सर उसी को मारने लगे थे। किस चीज से मार रहे थे? सगोन के डंडा से। मास्टर मारले रहे हैं। क्यों मारे थे आपके बच्चे? आका पढ़े गए ना तो एगो पूछना कुछ उतना ही लेके हमारे बतापन एक अक्षर भुला गए ना तो इसे मार नहीं लो। वो बच्चा पढ़ने गया एक क्लास थी, एक अक्षर छोड़ दिया था तो उसमें वो बच्चे के मारे हैं। क्या नाम है मास्टर का? दिवाकर साहब। दिवाकर साहब। बच्चे को काफी चोटें आई थी जी। बच्चे का कहाँ इलाज कराया गया? सरकारी हॉस्पिटल। अभी बच्चा कैसा है? अभी नॉर्मल है उसको। नहीं, वो सलेमपुर के बड़ीहा प्राइवेट स्कूल का मामला है जी। जी, एक बच्चा है कक्षा 4 का, शिवम नाम है जी। उससे संबंधित जो है वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक प्रभाकर मिश्रा अध्यापक है बताया गया उस वीडियो में कि उस बच्चे को काफ़ी मारा पीटा है। हमने तत्काल तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए और उसको निलंबित कर दिया है और जांच की कार्रवाई चल रही है। अगर आरोप पुष्टित होता है तो हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र में छात्रों का कोचिंग जा रही साथी छात्राओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित छात्राओं ने मामले की लिखित तहरीर देकर आरोपी छात्रों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोतवाली इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कौन है ये परेशान कर रहे हैं? पता नहीं है, कपिल है और अनुज है और सत्यम है, पर्दा के रहने वाली है। भाग गए आज, कल भाग गए थे। कहाँ परेशान किया? कोचिंग जा रहे थे तब परेशान किया इन लोगों ने। ये मामला राठ में संज्ञान में आया है और इसमें ही अभियोग पंजीकृत करके और जिन्होंने भी ये गलती की है उनके विरुद्ध जो वैधानिक सुसंगत धारा है उसमें कार्रवाई की है। बांदा में डम संचालकों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश के रास्ते आ रहे ओवरलोड ट्रकों से सड़कें जर्जर हो रही हैं। वहीं जिला प्रशासन ने ओवरलोड पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की तरफ से अगला कदम क्या होगा। इसके आयुक्त साहब के पास आए थे और हमने जो ज्ञापन दिया है वो दिया है कि जैसे पूरी यूपी में हमारी सरकार ने अंडरलोड पर गाड़ी चलाने के लिए आदेश किए हुए हैं और अंडरलोड चल भी रही है यूपी में, इसी कारणवश से जो है जो हमारे डंप हैं बांदा ज़िले में या कहीं भी हैं वो बिक नहीं पा रहे हैं, कि गाड़ियों को जो माल मिल रहा है वो एमपी में मिल रहा है, ओवरलोड भी मिल रहा है और काफ़ी सस्ता भी मिल रहा है, तो हमारे डंप नहीं बिक पा रहे हैं। तो हमारा निवेदन यही था उनसे कि अगर माल वहाँ से भले ही एमपी से आए, लेकिन जैसे हमारे यहाँ सरकार के द्वारा अंडरलोड जो तय है तो ऐसी वहाँ से आए। हरदोई में पिहानी कोतवाली की जोहानी खेड़ा चौकी इलाके में ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर खंभे से बांध दिया। आपको बता दें कि लोगों ने चोर को रेलवे का लोहा चोरी करते हुए पकड़ा था। दरअसल इलाके में कई दिनों से चोरों की चहलकदमी से इलाके में दहशत थी। थाना पिहानी के जोहानी खेड़ा चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ पे 2 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में देखे गए थे तो गांव वालों ने उनको दौड़ा के पकड़ा। एक इसमें से भाग गया, दूसरा जो पकड़ा गया था उसका नाम है सहीम पुत्र रईस, ये बरबर गांव का है, पसगवा थाना क्षेत्र का। ये पहले भी कई मुकदमों में जेल जा चुका है और इसकी पूछताछ की जा रही है, इसमें जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। किन आरोपों में गाँव वालों ने पकड़ा था और क्या सलूक किया इसके साथ? इसको चोर समझ के पकड़ा था और पकड़ के बांधा था।
यूपी के हरदोई में सिंचाई करने गए युवक के चाकू से निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम हत्या से जुड़े सबूतों को तलाशने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। थाना बेनीगंज में आज प्रातः एक 20 वर्षीय युवक की डेड बॉडी पाई गई है, जिसको कि धारदार हथियार से हमला करके हत्या की गई है। अभी तक परिजनों ने किसी के ऊपर शंका जाहिर नहीं की है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके हर पहलू पे जांच करके जल्दी ही इसका। गोंडा के कोतवाली कर्नलगंज क्षेत्र के ग्राम नारायणपुर मांझा की निवासी का कहना है कि उसने एक जमीन का बैनामा करा लिया था, जिस पर वो झोपड़ी बनाकर रह रही थी। उस जमीन पर कुछ दबंग लोग जबरन कब्जा करने का प्रयास करने लगे, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते वो पड़ोस के एक व्यक्ति के यहाँ रहने लगी। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।